ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बाबरी लाडो की ओर से राजधानी दिल्ली के मोती नगर यूफ्रिया मेंशन में तीज उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। तीज के इस शानदार आयोजन में महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और तीज के इस उत्सव में खूब नाच गाना हुआ और मौज मस्ती भी हुई। उपहारों की बौछार के साथ महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से इस तीज को मनाया। आप भी देखिए और खो जाइए तीज के इस उत्सव में। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ये देख तेरा रंग सावला हुआ बावला। लड़की नहीं है तू, है गरम मामला। बोलती बंद मुझे कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। वर्षों से संस्थान के द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किंतु हरियाली तीज महोत्सव को संस्थान के द्वारा अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। महोत्सव में महिलाओं के द्वारा 16 श्रृंगार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। कार्यक्रम के दौरान सावन माह के गीतों पर सभी जमकर झूमे तथा एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई भी दी। महोत्सव में कई गेम्स प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसे खेल कर सभी महिलाएं काफी प्रफुल्लित हो रही। बीते कई सालों में तीज के त्योहार में काफी परिवर्तन आया है। राजस्थान की परंपरागत तीज अब देश विदेशों में भी मनाई जा रही है और तीज के इस कार्यक्रम में कई कॉम्पिटिशन्स भी हुए। महिलाओं की खूबसूरती और अदाएं देख जज भी कंफ्यूज रही कि सिलेक्शन कैसे किया जाए। तीज का त्यौहार महिलाओं के लिए काफ़ी खास रहता है और तीज को लेकर के आज कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी हुए। जजेस में से एक मैम हमारे साथ है। मैम, काफ़ी मुश्किल रहा होगा जब आपने देखा कि एक से बढ़कर एक प्रतिभागी थे और महिलाओं के बीच ये टैकल कर पाना कि किसने बेहतर किया, ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल था एक्चुअली। बहुत सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। सब लेडीज़ ने बहुत मेहनत की अपने ड्रेसिंग में, अपना क्वेश्चन आंसर रेडी करने में। सो दे इट द कॉम्पिटिशन वॉज रियली वेरी टफ। सो वी वर 3 जजेस एंड आई मीन पहले 10 सेलेक्ट करने थे, उसके बाद 5, उसके बाद 3, देन 1। सो कॉम्पिटिशन रियली टफ, बट फाइनली वो हम लोगों को करना ही था। सो इट हैड रियली आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद एवरीवन। सो दैट्स ऑल अबाउट तीज। बहुत मुश्किल था, सब इतना सुंदर से, बहुत अच्छा ड्रेसअप थे, एवरीबडी वॉज सो वेल ड्रेस। सब ने इतना हार्ड वर्क पुट इन किया था ना फॉर देयर लुक, इट वॉज वेरी हार्ड, बट देन वी चोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी एंड देयर न्यू लुक्स, वट एवर न्यू आइडियाज दे पुट इन फॉर देयर लुक। तो हमने इसके बेसिस पर जज किया। हमने चाहा कि हम बायस नहीं थे, बिल्कुल भी बायस नहीं थे। तो हमारे लिए तो सभी सब हमें हमारा पर्पज होता था, हम सबको गिफ्ट देते। बाबा की लाडो की पूरी टीम कार्यक्रम से काफी उत्साहित है। यही कारण है कि आने वाले समय में कई और कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। खाटू श्याम के भजन के साथ साथ अब ये टीम महिलाओं के त्योहार को धूमधाम से मनाती भी नजर आएंगी। और इस संस्था में हमने पहले 27 मेंबर्स बनाए थे, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते हमने 31 मेंबर्स के बाद अब इस बार हमने 51 मेंबर्स पर आ गई है। उम्मीद है हम आगे और भी बढ़ाएंगे और हम इसमें अपनी और भी वुमेन की पावर दिखाएंगे। तो किस किस तरीके के कार्यक्रम आप करवाती है? बाबा की लाडो की जो संस्था है वो किस किस तरीके के कार्यक्रम को कवर करती है? एक तो हम पहले तो सबसे पहले तो हम खाटू श्याम जी का कीर्तन करते हैं हर साल एक, जिसमें कि सिर्फ लेडीज़ ही सब कुछ संभालती हैं। और उसके बाद हम ये त्योहारों के ऊपर भी अब कर रहे हैं कि सारे हम त्यौहार इस ग्रुप की तरफ से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी अभी न्यू ईयर का भी प्रोग्राम हमारी संस्था करने जा रही है। हमारी बाबा की लाडो की संस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंडिया में, दिल्ली में ही नहीं, इंडिया में सबसे बड़ी वुमेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है।
जो इतनी बड़ी और इतने बड़े स्केल पे हमें जो लोग हमारे श्याम परिवार वालों ने बताया कि वुमेंस का इतना बड़ा कोई ग्रुप नहीं है, इस बार ये हमारे इंडिया में नंबर वन बन चुकी है। और इतने बड़े स्केल पे पिछली बार हमने बहुत भव्य प्रोग्राम किया था, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए थे, पूरी दिल्ली में ही क्या पूरे भारत में और दूर दूर से लोगों ने इसको देखा था, इंडिया से बाहर के भी लोगों ने इनको देखा और यूट्यूब पे बहुत सब्सक्राइबर जुड़े थे इसमें। लाइव पे इतने लोगों ने पूरी रात 4 बजे तक प्रोग्राम किसी का नहीं देखा होगा जितना हमारा ये वाला देखा गया है, और प्रोग्राम को बहुत प्रशंसा मिली। उसी के आगे चलकर हम इसमें पहली बार ये तीज का प्रोग्राम मना रहे हैं, इसमें भी हमारे लाडो की ख्वाहिश थी कि हम लेडीज़ से जुड़े हुए कोई त्यौहार मनाएं, तो हमने इसकी शुरुआत तीज के त्यौहार से करी है और आगे आगे हम इसी तरह से जो लेडीज़ के करवा चौथ के होते हैं, दिवाली के होते हैं, जो भी हमें जैसे भी लेडीज़ की उम्मीद रहेगी हमसे, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो सब जने हमें कह रहे हैं कि आप एक साल में 2 प्रोग्राम करो, सिर्फ एक नहीं आप 2 या 3, आज सारी लेडीज़ बोल कर गई हैं कि आप हमारे लिए 2-3 प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमने जो ये बाबा की लाडो नाम की संस्था का एक छोटा सा बीज आरोपण किया है वो भविष्य में एक लहलाता वृक्ष बन जाए। मैम, जैसे आज आपने ऑर्गेनाइज करा तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई हम भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, तो देखा हर चीज़ में सपोर्ट करती है, आगे करती है कि ये करो वो करो, तो बहुत मज़ा आया। लेडीज़ भी बहुत इंजॉय करी है, बहुत बहुत ज़्यादा, तो बड़ी खुश होके गई हैं सब। तो ये आपको क्या प्राइज़ मिला, आप कौन सी पोजिशन पर आए? मैंने परफॉर्मेंस किया था इधर, और उस परफॉर्मेंस आर्ट परफॉर्मेंस उसमें हमारा ग्रुप ने फर्स्ट आया है, और उसके बाद मैंने इधर जो तीज कॉन्टेस्ट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं टॉप 12 में आई थी, और उसके बाद मैंने टॉप 5 में मैं नहीं जा सकी, लेकिन मेरा जजेस को परफॉर्मेंस और मेरा इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा लगा था, और मुझे बेस्ट ड्रेसअप का मिला अवार्ड, 16 श्रृंगार का अवार्ड मेरे को ही मिला है, उन्होंने मेरे को ही प्राइज़ दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तीज इस तरह से नहीं मनाया जाता था, घर में ही होता था, अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और सभी लेडीज़ ने इसमें बहुत इंजॉय किया है, मस्ती की है, डांस किया है, और हमें लग रहा है कि हमने खुद के लिए कुछ किया है। आपने अभी न्यू बाबा की लाडो को ज्वाइन करा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी, मैंने बाबा की लाडो को रिसेंटली ज्वाइन किया है और ये फर्स्ट उनका फंक्शन है जो मैंने अटेंड किया है। फंक्शन मैं कहूँगी बहुत अच्छा गया, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, गिफ्ट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, कॉन्टेस्ट जो रखे हुए थे वो बहुत अच्छे रहे। डांस का कॉन्टेस्ट रखा हुआ था जिसमें कई टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट फर्स्ट वो हमने जीता है, फर्स्ट प्राइज़ हमने स्कोर किया है डांस कॉम्पिटिशन का। तीज के क्वीन कॉम्पिटिशन रखा हुआ था जिसमें 42 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें फर्स्ट रनर अप मुझे मिला है, सो रियली हैप्पी अबाउट इट। इसके अलावा बहुत सारे क्विज थे यहाँ पे जो चल रहे थे, उसमें आई थिंक जो भी इंडिविजुअल आया है यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न करके गया है, अच्छा टाइम स्पेंड करके गया है। क्विज कॉन्टेस्ट हुए, तंबोला हुआ, फूड काफ़ी अच्छा था, बाद में घेवर दिया गया, बैंगल्स रखे गए थे सबके लिए, तो बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। थैंक यू सो मच बाबा के लाडो, इतना आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया तीज फेस्टिवल। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने भी दिल्ली दर्पण टीवी से अपने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि ये कार्यक्रम काफी शानदार, जानदार और दमदार रहा। गिफ्ट्स पाकर महिलाएं और भी उत्साहित दिखी। कैमरामैन कमल के साथ अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।